हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आर्यन गुड़िया ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है धनतेरस और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए। सबसे बड़ा सुख यार इसी में है कि आप लोग अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी के साथ बिताएं। आजकल का सबसे बड़ा सुख तो यही है, मैं मानता हूँ। तो प्लीज इस स्माइल को हमेशा बरकरार रखिए, फैमिली के साथ में रहिए। और आज थोड़ा सा दुख भी है, अफसोस भी है, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत सही नहीं है, एडमिट है हॉस्पिटल में। आप लोग दुआ कीजिए कि मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। उनको थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। मैं आपको बता दूं, गांव में दवा चल रही थी और कुछ हो सकता है दवा नुकसान कर गई हो, कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से उनका बाथरूम बंद हो गया था। और बाथरूम जब करते भी थे तो जलन होती थी। यही सारी प्रॉब्लम थी जिससे उनको एडमिट कराना पड़ा। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उससे पहले उनका जो बीपी था वो 60 और 40 पहुंच गया था। आप लोग समझ सकते हैं ना कि 60 और 40 का मतलब बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। तो हालांकि जैसे उनको एडमिट कराया गया, तुरंत बीपी नॉर्मल हो गई, 120 और 80 के आसपास में हो गई थी, बीपी नॉर्मल हो गई थी। बाथरूम इन्फेक्शन था, वो भी लगभग 50% 80% काबू पा लिया गया है। तो आशा करता हूँ कल तक हो सकता है डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। तो दुख, सबसे बड़ा दुख यही है कि त्यौहार है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए, अच्छे से जाके अपने घर पे अपना त्यौहार मनाएं। और मैं भी यहाँ से नहीं जा पाया हूँ क्योंकि अभी फेस्टिवल है, दीपावली है, और सबसे बड़ा जो पर्व होता है बिहारियों का, हमारे जो बिहार का जो त्यौहार होता है वो है छठ पर्व। वो बहुत ज़्यादा रस होता है, ट्रेन में बसों में इतना ज़्यादा रस होता है कि हम जा नहीं सकते हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसा लगेगा मुझे तो फिर देखेंगे, वो तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो थोड़ा सा मन उदास भी है, घर पे अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो दिल नहीं लगता है, और बार बार बस फ़ोन पे बातचीत होती रहती है। बाकी तो ठीक है, बस आप लोग दुआ कीजिए, आशीर्वाद कीजिए कि मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं, घर चले जाएं। और उम्मीद करता हूँ शायद कल तक वो डिस्चार्ज कर भी दें डॉक्टर। और आज ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्स्ट्रा सब चीज़ की रिपोर्ट आ गई है। जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा लेवल ज़्यादा था, उसी की दवा चल रही है, ग्लूकोज वगैरह चल रहा है, सारा चीज़ चल रहा है। तो और आज धनतेरस है, तो बस क्या करें, जो त्यौहार होते हैं वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करना पड़ रहा है, तो अपनों के बिना तो त्यौहार भी अधूरे ही हैं। तो चलिए, फिलहाल ये छोटा सा अपडेट था जो आप लोगों को देना चाहते हैं। और आरुषि, कुछ कहना चाहती हो लोगों से? हाँ। बोलिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और रुद्रांश अभी सो रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं। ए रुद्रांश, सो रहे हो? ये भी सो गए हैं। मम्मी की तरफ से लाइक, मेरी तरफ से सब्सक्राइब, पापा की तरफ से शेयर, उसके तरफ से कमेंट। चार लोग हैं, चार चीज करना, ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, चार हो गए, ठीक है? कर दीजिएगा, अपने आप ही कर दीजिएगा। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नए अपडेट के साथ में, खुशखबरी के साथ में, पापा जब तक घर आ जाएंगे, ठीक है? और हाँ, कुछ जो लेके आए हैं वो आप लोगों को दिखा देते हैं, क्या लेके आए हैं, क्या खरीदा है धनतेरस में। ढक्कन है तो इतने सारे प्लेट्स नहीं लाए। ये जो एक पतीला है छोटा सा, कहते हैं हमारे यहाँ का भारतवर्ष का सबसे जो नियम है कि कुछ ना कुछ नया बर्तन खरीदना चाहिए, तो ये बर्तन खरीदा है। और ये आरुषि ने झाड़ू खरीदा है, झाड़ू को निकाल के दिखाओ ना। चलिए कोई बात नहीं, ये झाड़ू है और ये पतीला है, दो चीज़ खरीदा है। चलिए आप लोग भी खरीदारी कीजिए, जरूरी होता है त्यौहार के दिन, ठीक है? चलिए फिलहाल ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।